के स्टूडेंट का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम चैप्टर सेकंड का फिफ्थ वीडियो पढ़ेंगे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हमने पढ़ चुका है कि कैसे वो हमको ह्यूमन को, प्लांट को और एनिमल्स को हार्म पहुंचाते हैं। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो फूड को भी स्पॉइल कर देते हैं, जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो जाता है। हम अगर बहुत तरह के फूड स्टफ, वैरायटी ऑफ फूड लेते हैं किसी पार्टी फंक्शन में, अगर वो स्पॉयल है या ज़्यादा ऑयली वगैरह है तो हमको फूड पॉइजनिंग हो जाता है, खाना अच्छी तरह से नहीं पचता है और तबीयत हमारी ख़राब हो जाती है स्पॉयल फूड खाने के कारण, जो कि होता है ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड स्पॉयल ना हो, अधिक से अधिक खराब ना हो, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तो फूड को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन यानी कि भोजन को संरक्षित करके रखना, तो उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट है केमिकल मेथड, सॉइल एंड ऑयल, सॉल्ट एंड ऑयल, नमक और तेल जो होता है कॉमन तरीका से हम उसको फूड को प्रिजर्व करते हैं। आप देखते होंगे कि जो मैंगो या फ्रूट्स हम जो भी कच्चे सब्जी फल वगैरह खरीदते हैं वो कुछ दिनों के बाद स्पॉयल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगते हैं, उनको स्पॉयल करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो वही पिकल्स जो होते हैं वो अच्छे अधिक दिनों तक प्रिजर्व रहते हैं, उसमें सॉल्ट और ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो सॉल्ट और ऑयल जो है वो किसी भी फूड वैरायटी को प्रिजर्वेटिव कर सकता है, करता है, वो प्रिजर्व जो भोजन को प्रिजर्व कर सके वैसे मटेरियल को हम प्रिजर्वेटिव कहेंगे। सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मेटासल्फाइड जो है यूज्ड होता है जैम एंड सॉस में, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव है, यानी भोजन को प्रिजर्व करता है, उसको खराब होने से, स्पॉइल होने से बचाता है। कॉमन सॉल्ट का भी उपयोग करते हैं हम आंवला में, रॉ मैंगो में, जब हम अचार पिकल्स बनाते हैं तो उसमें नमक और हल्दी लगा के रख देते हैं ताकि वो खराब ना हो। मीट और फिश को अगर धो के साफ करके उसको सूखा कर दे, उसमें से नमक लगा दीजिएगा अच्छी तरह से, तो वो बहुत दिनों तक प्रिजर्व रह सकता है। बाय शुगर, शुगर भी प्रिजर्वेटिव है, इसको जैम सॉस जेली बनाने में हम शुगर डालते हैं ताकि वो बहुत दिनों तक रह सके, खराब ना हो। बाय ऑयल एंड वेनेगर, सिरका और ऑयल तेल का भी उपयोग करते हैं। वेनेगर यानी एसिटिक एसिड, जैसे कि पिकल्स, वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट जो होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं, काफ़ी दिनों तक रह सकते हैं। अचार में तेल डाला जाता है ताकि वो खराब ना हो। कॉमन सॉल्ट का, कॉमन सॉल्ट यानी जो हम यूज करते हैं वाइट सॉल्ट, उसका पिकल्स में यूज होता है, वेजिटेबल में, फ्रूट में, फिश में, मीट में, प्रिजर्व करने के लिए, अगर सुबह में से शाम तक रखना, उसको प्रिजर्व करना है, उसमें ऑयल और वेनेगर लगा के रख दीजिए या नमक मिला के रख दीजिए तो वो बहुत देर तक खराब नहीं होता। इसके बाद हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, या तो बहुत नॉर्मल टेम्परेचर, जो हॉटेस्ट टेम्परेचर है उससे